हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आप जो है ना दुपट्टे पे किस तरह से क्रोशिया का डिज़ाइन बना सकते हैं। अक्सर जो खवातीन होती है उनको शौक होता है कि हमारे दुपट्टे पे इस तरह से काम हुआ हो, जिससे लोग पीको करवाते हैं, लेस लगवाते हैं। लेकिन कुछ जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनको शौक होता है कि हमारे दुपट्टे पे जो है ना क्रोशिए का काम हो, थोड़ा जंजीरा टाइप कुछ ना सिंपल सा डिज़ाइन बना हुआ। तो उस वही सब जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो सिंपली आपने करना है क्या, जिस तरह मैंने गिटा बांध दी, इस तरह से गिटा बांधना है और उंगली पे ये धागा लपेट के आपने क्या करना है, ये आपने दुपट्टा ले लिया, ठीक है। दुपट्टा लेने के बाद आपने क्या किया, ये इस तरह से यहाँ पे आपने इसको पकड़ लिया, ये थोड़ा सा वो टाइट हो रहा है ना, इस यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है और ये इस तरह से फिर इसको इसको ऐसे निकाल के लाना है। निकाल के लाने के बाद आपने इसको इस तरह से इन दोनों में से निकाल लेना है, ठीक है। ये इस तरह से ये निकाल लेना है, फिर सेम यही चीज़ को हम रिपीट करेंगे, इस तरह से डाल के इस तरह से निकाल के इसको। याद रखिए, दुपट्टे के धागे ना खींचे आप, ऐसे दुपट्टे पे क्रोशिया किया करें कि जिसमें से ना धागे ना निकले, क्योंकि जिन कपड़ों के धागे निकलते हैं फिर उन पे क्रोशिया नहीं होता, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है करने में, ठीक है। ये इस तरह से फिर इसमें से निकाल दिया आपने, ये थोड़ा सा मेरा धागा टाइट हो गया है, ये इस तरह से सेम इसी तरह करते जाएंगे 3-4 मरतबा। पहले मैं कर लूँ ताकि फिर मैं शुरुआत करूँगी जंजीरा किस तरह करेंगे हम लोग। ये आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। बस ये आपने याद रखना है कि आपने जो है इसकी लाइन सेम रखनी है, इसको ख़राब नहीं करना। अगर ये ख़राब होती है तो फिर जो है बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इस तरह से देखें, ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे होता जा रहा है और यहाँ पे ये ऐसे। अब बात करते हैं करना क्या है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो धागा है ना आपका, इसमें से आपने क्या करना है, ये 1, 2 और ये सॉरी छूट गया है, 1 हो गया था, ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। अब इसको यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से, इसमें निकाल के देखेंगे यहाँ पे, इस यहाँ तक है ये, फिर इसमें से निकालेंगे और ये यहाँ पे इनको ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर वापस से मैं यहाँ पे आऊँगी, इस तरह इसमें से निकालूँगी, ये करूँगी और ये दोनों को निकालूँगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ से इसको ऐसे करूँगी, ये निकालूँगी और फिर मैं ये कर दूँगी, ठीक है। देखिए इस कुछ इस तरह से। अब मैं फिर से वही कर रही हूँ, 1, 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। अब इसको यहाँ पे मैं इधर से निकालूँगी, ये हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनता जाएगा और इस तरह से आप इसको पूरे दुपट्टे पर करें। तो होप आपको ये अच्छा लगा हो, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये क्रोशिया का बिल्कुल आसान है और आपके बुज़ुर्ग को काफ़ी पसंद आएगा ये, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।